हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लिलुआ वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई के पेपर्स के सोल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर लिलुआ वर्कशॉप के अंतर्गत कंडक्ट हुए थे, जो कि जेई के लिए यानी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट कराए गए थे। जो अगर बात करें तो यह आईएम कोटा के अंतर्गत 25% जो पेपर होते हैं उसके लिए यह पेपर कंडक्ट हुए थे। अगर बात करें कि यह एग्ज़ाम डेट की, तो अभी हाल ही में 22 नवंबर 2022 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए कैंडिडेट को 90 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें टोटल प्रश्न की संख्या 110 थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था। अगर आगे की बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर 10 जनवरी होता। नेक्स्ट, अगर इससे अलावा अगर पूछा जाता कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी इसका उत्तर होते। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ट, यानी राजभाषा नियम कब पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि राजभाषा अधिनियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पारित हुआ था, तो उस केस में एक्ट के केस में या अधिनियम के केस में या 1963 होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नियम पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 1976 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है, तो इसका बात करें तो इसमें टोटल 9 अनुच्छेद की बात की गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसका सही उत्तर होगा, जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक बात किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है, व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी नगर राजभाषा कार्यावरण समिति की बैठक की आवधिकता क्या होती है, तो इसका आवधिकता की बात करें तो यहाँ पर टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए पूछा गया है, जो कि 1 in 6 months यानी 6 महीने पर एक बार कंडक्ट कराए जाते हैं। वहीं अगर आपसे सीधे पूछे जाते कि राजभाषा अधिनियम राजभाषा कार्यावरण समिति की बैठक कब कराई जाती है, तो 1 in 3 months होता अगर सीधे डायरेक्ट रूप से पूछा जाता, लेकिन यहाँ पर टाउन के लिए पूछा गया है स्पेशली, तो यह 1 in 6 months यानी 6 महीने पर एक बार कराए जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स विच स्टेट कम्स इन ए रीजन्स, यानी राजभाषा नियमों के अनुसार कौन सा राज्य ए रीजन यानी क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। वहीं एक बात करें तो आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश यह सी रीजन के अंतर्गत आता है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात पंजाब ये सारे बी रीजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1960, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मिनिमम हाउ मेनी मीटिंग्स शुड बी हेल्ड बाय द हिंदी एडवाइजरी कमेटी इन अ ईयर, यानी हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, तो इसकी टोटल संख्या वर्ष में टोटल 4 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी बात करें तो यह
03 मंथ, यानी 3 महीने पर एक बार मिनिमम होना चाहिए और वर्ष में टोटल 4 बार, यानी 3 महीने पर एक बार इसकी मीटिंग कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अंडर विच मिनिस्ट्री इज डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यहाँ पर राजभाषा अधिनियम जो 1963 हैं उसमें कितनी सेक्शंस यानी धाराएं हैं उसके बारे में पूछा गया, तो इसमें टोटल धाराओं की संख्या 9 की संख्या में होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 है वो कब पारित किया गया था, तो यह 10 मई 1963 को पारित किया गया था, जिसका संशोधन 1967 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स वेस्ट बंगाल फॉल्स इन बीच रीजन, राजभाषा नियमों के अनुसार पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह रीजन सी यानी ग समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर इन एमएम फोर व्हीलेड ट्रॉली ऑन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन्स इज, यानी ब्रॉड गेज वैगन्स पर एक ही एक्सल पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए नए व्हील ट्रेड व्यास एमएम में अनुमेय भिन्नता कितनी होनी चाहिए, चूंकि आप कोई भी कंडीशन हो सेम एक्सल पर व्हील डायमीटर्स का डिफरेंट 0.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था हमसे सेम एक्सल पर, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेम एक्सल पर पूछा गया था जो 0.5 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है टीयर वेट इन टर्म्स ऑफ द बॉक्सन नेचुरल वैगन्स इच, यानी बॉक्सन नेचुरल वैगन का टीयर वेट टन में पूछा गया है कि कितना होता है, तो यहाँ पर बॉक्सन एचएल की बात करें तो टीयर वेट के कंडीशन में इसका टीयर वेट 20.6 टन होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नियर बाई 20.9 से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि इसकी एक्सल लोड कितनी होती है बॉक्सन एचएल की, तो एक्सल लोड की बात करें तो यह 22.9 टन होते हैं एक्सल लोड बॉक्सन एचएल वैगन का। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट पीओएच पीरियोडिसिटी इन ईयर्स, यानी नवनिर्मित बॉक्सन वैगन का प्रथम पीओएच आवधिकता क्या होती है, तो बॉक्सन के केस में फर्स्ट पीओएच पूछा गया जो कि 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द हाईएस्ट हाई कैपेसिटी ऑफ ड्राफ्ट गियर इज, यानी उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर कौन से है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट हमारा RF-361 का होता है, फिर उसके बाद MK-50 के होते हैं, तो यहाँ पर हमारा RF-361 तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर हमारा MK-50 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी कैपेसिटी की तो इसकी कैपेसिटी 5385 kg इसकी कैपेसिटी होती है, जबकि अगर बात करें RF-361 की कैपेसिटी की जो सबसे हाईएस्ट होते हैं इसकी कैपेसिटी होता है 5725 kg, जो कि सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी वाले ड्राफ्ट गियर RF-361 होता है, उसके बाद तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी MK-50 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर फॉर वैगन्स यूज्ड इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में वैगनों के लिए किस प्रकार का सेंटर बफर कपलर प्रयुक्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा AAR, यानी
एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल लोड टाइप्स जो हमारा प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो वैगनों में खासकर ई टाइप का सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द अट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल्स वैगन्स इज ट्रांसमिटेड विथ द हेल्प ऑफ, यानी एक कल वैगन में लोको के अट्रैक्टिव बल को किसकी मदद से प्रेषित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ड्रॉ गियर की मदद से, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीपी प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन वर्किंग ट्रेन इज, यानी वर्किंग ट्रेन में ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होता है, तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कहाँ जाते हैं, तो यह एटमॉस्फेयर में जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर किसमें सहायता प्रदान करता है, तो यह सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर, जब हमारा प्रेशर ब्रेक पाइप से गिराया जाता है उसके 2.5 गुना प्रेशर लेकर वह ब्रेक सिलेंडर को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेशर पहुंचाने का काम करता है, यानी जो हमारा जितना प्रेशर ड्रॉप किया जाता है उसके 2.5 का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है, यानी यहाँ पर सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में किस प्रकार का स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा सिल्को मैंगनीज स्टील, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द एक्स्ट्रा लोड ऑफ कैपेसिटी इन टन्स ऑफ बीएलसी वैगन इज, यानी बीएलसी वैगन की एक एक्स्ट्रा लोड की क्षमता कितनी होती है, तो यह हो जाएगा 20.32 टन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें बीएलसी वैगन की, तो बीएलसी वैगन टोटल 5 कार के यूनिट होते हैं, जिसमें बीच में 3 B कार लगे होते हैं और साइड में हमारा 1 कार लगे होते हैं, यानी एक यूनिट में टोटल 5 कार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बीएलसी वैगन इज, चूंकि आप जानते हैं कि एक यूनिट में टोटल 5 कार का प्रयोग किया जाता है, बीएलसी में टोटल 9 यूनिट का एक रेक चलाया जाता है, तो इस प्रकार टोटल 45 बीएलसी कार्स यानी वैगन्स का प्रयोग एक रेक के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 45 वैगन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जिसे आप ATL के नाम से जानते हैं यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो पर BLC वैगन 8 ट्विस्ट लॉक का प्रयोग कंटेनर को लॉक करने के लिए किया जाता है, जिसकी लॉक करने के लिए 600 केजी की वेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जबकि अनलॉक करने के लिए 1000 kg वेट के फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात करें वहीं ATL की कि मेंटेनेंस किस शेड्यूल के अंतर्गत किया जाता है, तो यह G100 मेंटेनेंस के अंतर्गत ATL यानी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का मेंटेनेंस किया जाता है एज पर RDSO मैनुअल के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइट इन mm ऑफ साइड फ्रेम बॉटम फ्रॉम रेल लेवल्स ऑफ कंटेनर बोगी टाइप LCCF-26 ट्रॉली, यानी LCCF-26 प्रकार के कंटेनर ट्रॉली के रेल स्तर से साइड फ्रेम तल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो यह होता है 149 mm, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में किस प्रकार के ट्रॉली प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF-26 टाइप की
ट्रॉली यानी बोगी का प्रयोग बीएलसी वैगन में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन में प्रयुक्त कपलिंग का प्रकार का नाम बताएं। चूंकि आप जानते हैं कि टोटल 5 कार की यूनिट होता है, दोनों एंड पर एक कार लगे होते हैं यानी और दोनों छोर पर सीवीसी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो बी कार होते हैं हमारा बीच में 3B कार्स, उसको कनेक्ट करने के लिए SLD यानी स्लैकलेस ड्रॉबार का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दो टाइप का कपलिंग प्रयोग किए जाते हैं बीएलसी बैगर्स में, एक अपना सीबीसी और सेकेंड SLD यानी स्लैकलेस ड्रॉबार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज इन LHB कोच, LHB कोच में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्बर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी इन LHB कोच, यानी LHB कोच में बोगी और कार बॉडी के बीच जुड़े शॉक एब्जर्बर का नाम बताएं। तो यो शॉक एब्जर्बर होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स इन नंबर्स आर यूज इन LHB कोच, यानी LHB कोच में कितने शॉक ऑब्जर्वर्स का उपयोग किया जाता है। तो बात करें कि इसमें पहले हम पर ट्रॉली निकालने का प्रयास करेंगे। तो पर ट्रॉली पर आप जानते हैं कि टोटल 4 चक्के, 2 एक्सल्स होते हैं और टोटल 4 चक्के का प्रयोग किया जाता है। चारों चक्के के लिए प्राइमरी डैम्पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्राइमरी डैम्पर्स की संख्या हमारा टोटल 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 सेकेंडरी स्प्रिंग के साथ लगे होते हैं, यानी 2 की संख्या हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन हो जाएगा। और दोनों कार बॉडी और बोगी को कनेक्ट करने के लिए हमारा नीचे में 2 ईयर डैम्पर्स पर बोगी लगे होते हैं, 2 की संख्या में हमारा ईयर डैम्पर्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक लेटरल डैम्पर लगे होते हैं जो लेटरल मूवमेंट को मूवमेंट होने से बचाते हैं। यानी इस प्रकार हमारा एक लेटरल डैम्पर की बात करें तो टोटल 1 हो जाए। इस सारे को आप ऐड करेंगे तो टोटल 9 की संख्या में पर बोगी पर डैम्पर्स के प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार टोटल कोच में 2 की संख्या में बोगी होती है, तो टोटल 18 डैम्पर्स प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 18 की संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो SS2 यानी सब शेड्यूल 2 ऑफ LHB कोच इज डन, यानी LHB कोच का सब शेड्यूल 2 कब किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कोडल लाइफ इन ईयर्स ऑफ LHB कोच, LHB कोच का कोडल लाइफ पूछा गया है जो कि 35 ईयर्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें ICF की तो ICF का 25 ईयर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोल बार ऑफ LHB कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी LHB कोच के सोल बारों का निर्माण किससे किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा IRSM 41 की मदद से की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोचेज, यानी LHB कोच में इस्तेमाल होने वाले ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो LHB कोच में ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व, यानी डंप वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो यहां पर डंप वाल्व को आप एंटी स्कीड वाल्व के भी नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग के एज पर माइक्रो प्रोसेसर के अनुसार इंस्ट्रक्शन के अनुसार करवाते हैं। अगर बात करें तो इसको टोटल पर बैगन्स में पर कोच में टोटल 4 की संख्या में डंप वाल का प्रयोग किया जाता है जो प्रत्येक एक्सल्स के साथ कनेक्ट होते हैं।
इसका काम होता है टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स। और बात करिए सेकेंड तो टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, दोनों के लिए मदद की जाती है, यानी ए भाव ए एंड बी दो बोथ इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि पर एक्सल पर प्रत्येक दो डिस्क होते हैं, ब्रेक डिस्क, दोनों ब्रेक डिस्क पर एक एक सिलेंडर होते हैं, तो आप पर ट्रॉली, ये हमारा एक ट्रॉली हो गया, ये हमारा दूसरा ट्रॉली हो गया, टोटल यहाँ पर प्रत्येक ब्रेक डिस्क पर एक एक सिलेंडर लगे होते हैं। तो इस प्रकार आप 8 सिलेंडर का प्रयोग पर एलएचबी कोच में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द 99 कोड शोन ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, यानी माइक्रो प्रोसेसर पर प्रदर्शित 99 कोड का अर्थ क्या होता है। तो 99 कोड की अगर बात करें तो यह होल सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, यानी सही रूप से सारे सिस्टम कार्य कर रहे हैं, इसका प्रदर्शित 99 कोड के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें 72 की, अगर 70 शो करे तो परमानेंट फॉल्ट एट वन एक्सल्स, और अगर 73 शो करता है तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल, इसके मतलब होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑन एलएचबी ऑफ एलएचबी कोच इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज, यानी एलएचबी कोचों का अधिकतम ब्रेक सिलेंडर का दबाव कितना होता है। तो अधिकतम की बात करें एलएचबी कोच के केस में तो या 3.0 प्लस माइनस 0.1 mm केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है मैक्सिमम प्रेशर एलएचबी कोच की कंडीशन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी पावर कार्स नॉन एज, यानी एलएचबी पावर कारों पर हैंड ब्रेक दिए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है पार्किंग ब्रेक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोच, तो आप प्रत्येक टिक्सल पर दो दो होते हैं, तो इस प्रकार टोटल 4 पर टोली और अगले टोली पर 4 ब्रेक डिस्क, टोटल आप एडिशन करेंगे तो 8 ब्रेक डिस्क मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर एलएचबी कोच 8 की संख्या में ब्रेक डिस्क होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ऑफ दीज ऑप्शंस वाइल इज रेस्ट्रिक्टली परमिटेड, यानी इनमें से किस विकल्प में तेल सख्त वर्जित है। तो कपलर हेड नकल और लॉक ऑफ सीबीसी पर तेल इस्तेमाल करना सख्त रूप से वर्जित किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स, डैम्पर्स का क्या लाभ है। तो सस्पेंशन इंक्रीज होते हैं, राइडिंग इंडेक्स इंक्रीज होता है, कंफर्ट भी आरामदायक महसूस होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच टॉयलेट इमरजेंसी इन लीटर्स में पूछा गया है, यानी आपात स्थिति के लिए एलएचबी कोच शौचालयों में उपलब्ध कराई गई पानी की टंकी की कैपेसिटी पूछी गई है, जो कि 30 लीटर्स की इमरजेंसी केस के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोच हैज, यानी एलएचबी कोच में लगे सीबीसी क्या होता है। तो यह पुलिंग एक्शन और बफिंग एक्शन दोनों करते हैं, तो यहाँ पर बोथ पुलिंग एंड बफिंग एक्शन ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज यूज्ड फॉर रोलिंग स्टॉक, यानी चल स्टॉक के लिए किस कार के पुनरुत्थान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है द एंटी रोल बार मस्ट बी चेक्ड फॉर, यानी एंटी रोल बार की जांच की जानी चाहिए एनी बियर कंडीशन में, फ्री मूवमेंट कंडीशन में और एनी क्रैक कंडीशन में, यानी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रोवाइडेड फॉर, यानी गैंगवे ब्रिज माउंटिंग प्रदान किया जाता है, किस लिए प्रदान किया जाता है, तो टू प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन टू कोचेज, यानी दो कोचों के बीच जो ब्रिज प्रदान की जाती है उसके लिए गैंग ब्रिज का प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कर्टेंस एंड रेगजेंस सीट्स प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोच आर, यानी एलएचबी कोचों में कर्टेंस और रेगजेंस सीट दी जाती है, किस लिए दी जाती है, तो यह फायर रिटार्डेंट होता है यानी अग्निरोधी जिसमें आग लगता ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 1 के बारे में पूछा गया है कि इसकी आवधिकता कब कब कराई जाती है, तो यहाँ पर SS1 की बात करें तो यह 18 मंथ प्लस माइनस 30 डेज या 600,000 किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस कंडीशन में कराया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल 3 के बारे में जो कि कराया जाता है 6 वर्ष के अंतराल पर यानी 72 माह पर किया जाता है, वहीं नेक्स्ट प्रश्न इसके किलोमीटर पर पूछ दिया गया है जो कि 24,00,000 किलोमीटर के कंडीशन पर होता है, यानी यहाँ पर दोनों क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन से बने हैं, यहाँ पर 6 ईयर्स या 24,00,000 किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में किया जाता है, यहाँ पर दोनों का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द FRP पैनल्स आर, यानी FRP पैनल्स क्या है, तो FRP का मतलब होता है यहाँ पर फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक जो हमारा LHB कोच के इंटीरियर पार्ट्स में प्रयोग किया जाता है जिसका काम होता है फायर रिटार्डेंट यानी अग्निरोधी प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फीबा इज फिटेड इन LHB कोच हैविंग सेकेंडरी सस्पेंशन ऑफ, यानी फीबा LHB कोचों में फिट किया गया है जिसमें सेकेंडरी सस्पेंशन है, फीबा का मतलब यहाँ पर होता है फेलियर इंडिकेशन ब्रेक कम एप्लीकेशन डिवाइस होता है, यानी जो हमारा LHB कोच में एयर स्प्रिंग लगे होते हैं उसके फेलियर के होने की कंडीशन में हमारा फीबा इंडिकेटर रेड हो जाता है और पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाती है, यानी यहाँ पर हमारा फीबा डिवाइस एयर स्प्रिंग से संबंधित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बिच इज नॉट एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM ऑफ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम इन LHB कोच, यानी LHB कोचों के एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का मूल उपकरण निर्माता OEM कौन सा नहीं है, यानी इसका ओनर कौन सा मैन्युफैक्चरर का नहीं है, तो इसमें हमारा नॉर भी होगा, स्कॉट भी होता है, फैबली भी होती है, यानी मेधा नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जिसे अभी ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस को, वाज इनोग्रेटेड ऑन द रूट ऑफ, यानी जहाँ पर फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूछा गया जिसका उद्घाटन किस रूट पर सबसे पहली बार की गई थी, तो यहाँ पर वाराणसी से लेकर न्यू दिल्ली के बीच किया गया था, जो किया गया था 15 फरवरी 2019 को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज इंडिकेटेड इन कोच नंबर ER191513, निर्माण वर्ष पूछा गया है यहाँ पर जिसमें कोच की संख्या दिया गया है, ER के फॉर्म यानी ईस्टर्न रेलवे का यह कोच है जिसमें 19, 15, 13 दर्शाया गया, इसमें मैन्युफैक्चर निर्माण वर्ष बैगन कोच का पूछा गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट टू डिजिट आप जानते हैं कि किसी भी कोच का निर्माण वर्ष होता है, तो इस प्रकार 19 दिया गया है तो हमारा निर्माण वर्ष 2019 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इन IRSM 44, यानी IRSM 44 में क्रोमियम की अनुमानित परसेंटेज पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें क्रोमियम की केस में, क्रोमियम IRSM के केस में क्रोमियम का परसेंटेज एप्रोक्सीमेट 10.5 से लेकर 11% तक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 11% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच कटिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट्स, यानी स्टेनलेस स्टील प्लेटों को काटने के लिए कौन सी कटिंग विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा कटिंग, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया विच क्लास ऑफ इलेक्ट्रोड रिकमेंडेड बाय आरडीएसओ फॉर बेल्डिंग IRSM 41, यानी IRSM 41 बेल्डिंग के लिए आरडीएसओ द्वारा किस वर्ग का इलेक्ट्रोड की सिफारिश की जाती है। तो यहां पर डी क्लास की सिफारिश की जाती है, जो कि IRSM 41 बेल्डिंग के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है क्वांटिटी से रिलेटेड, यानी मैथ से रिलेटेड पूछा गया, यानी ए गुड्स ट्रेन रन एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h एंड क्रॉसेस अ 250 meters लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 seconds, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन, यानी एक मालगाड़ी 72 km/h की गति से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर मालगाड़ी की लंबाई पूछी गई है। तो अगर बात करें यहाँ पर हम कि यहाँ पर हमारा मालगाड़ी की लंबाई पूछा गई, इसको हम x मीटर अगर मानते हैं तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि अगर टाइम के फॉर्मूले से देखें तो डिस्टेंस अपन बाई डी स्पीड होता है, जो यह हमारा फार्मूला होता है। उस कंडीशन में अगर हम बेस्ट करें अगर तो x हमारा मालगाड़ी की लंबाई है, 250 मीटर हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताया गया है प्रश्न के अनुसार, और उसको अगर हम स्पीड से डिवाइड करें तो स्पीड हमारा 72 km/h है, क्योंकि हमारा सारे डायमेंशन मीटर सेकंड में दिया गया है। तो 5/18 से हम डिवाइड कर इन मल्टीप्लाई करके हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और बराबर इक्वल करके हम 26 सेकंड से इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर पाते हैं आप कि ये आ रहा है, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए अगर बात करें तो हमारा x बराबर यहाँ पर हमारा 270 मीटर आता है, यानी हमारा अगर बात करें तो मालगाड़ी का सही से उत्तर हमारा 270 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक और क्वांटिटी से रिलेटेड पूछा गया है, यानी इफ टू नंबर्स आर द रेशियो ऑफ 5:8 के लिए बोला गया है, अगर 9 इज एडेड टू ईच द रेशियो बिकम्स 8:11, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, यानी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 दिया गया, प्रत्येक में 9 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 8:11 का हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों संख्या का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम यह करेंगे कि यहाँ पर दिया गया दोनों संख्या 5:8 के रेशियो में दिया गया है। अगर हम संख्या निकालने के लिए अगर बात करें दोनों संख्या के, तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करके संख्या निकालने की कोशिश करेंगे दोनों की, फिर यहाँ पर 9 को जोड़ा जाता है, तो ये दोनों में हम 9 जोड़ दिए और जो रेशियो हमारा 8:11 के रेशियो में आता है, फिर आप इस प्रकार तोड़ने की कोशिश करेंगे तो x का वैल्यू आप 3 निकलेगा यहाँ से। और चूँकि आप जानते हैं कि दोनों हम अगर ऐड करें तो 8:5:13 आता है, 13x टोटल आएगा, जिसमें अगर x की जगह पर 3 पुट करते हैं तो टोटल हमारा 39 आ जाएगा, यानी टोटल दोनों संख्या का योगफल हमारा 39 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज सीलिंग गैस इन MIG वेल्डिंग, यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग MIG वेल्डिंग में परीक्षण गैस के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो सीलिंग गैस के रूप में MIG वेल्डिंग में हमारा आर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सारे गैस जैसे गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो हमारा हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, सिर्फ हमारा
आर्गन का ऑप्शन दिया गया है, तो हम आर्गन के ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आर्गन गैस का प्रयोग सीलिंग गैस के रूप में MIG वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया, यानी रेल मंत्री के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारे श्री अश्वनी वैष्णव जी है, वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवरिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में से कौन सा भारत में नदी का बंदरगाह है, तो यह कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संस्थान है, संगठन है, तो यह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो अभी भारत का इकलौता एकमात्र भारतीय अंतरिक्ष संस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसरो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 TB इज इक्वल टू हाउ मेनी GB, यानी 1 TB कितने GB के बराबर होते हैं, तो 1000 GB के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो आप देखेंगे ग्रोम, मोजिला और सफारी तीनों अपना वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन, यहाँ पर नेटफ्लिक्स नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं है, तो MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल तीनों को शामिल किया गया, जबकि MS एडिट को शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है PL नंबर यानी प्राइस लिस्ट नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टॉक आइटम्स इन स्टोर हैव हाउ मेनी डिजिट्स, यानी PL नंबर जो कि पहचान के लिए उपयोग किया जाता है स्टोर स्टॉक आइटम्स के पहचान के लिए, उसकी टोटल संख्या पूछा गया कि कितने अंक का होता है, तो यह 8 अंक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसका पहले 2 अंक मेजर ग्रुप से होते हैं, जिससे यह पता लगाया जाता है कि यह इलेक्ट्रिक लोको स्पेयर्स है या डीजल लोको स्पेयर्स की पार्ट है या CNW स्पेयर्स या जनरल स्टोर्स की पार्ट्स का बारे में बताया गया, यानी टोटल यह 8 अंक का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी एक क्वांटिटेटिव रिलेटेड पूछा गया, यानी फाइंड द हाइपोटेनस इन सेंटीमीटर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग हाइट 15 cm एंड द बेस, यहाँ पर लेंथ और यहाँ पर अगर बात करें तो आधार और ऊंचाई दिया गया है, इसमें कर्ण पूछा गया है, चूंकि आप फार्मूला जानते हैं कि h² बराबर a² + b² होता है, तो आप दोनों को ऐड करके स्क्वायर करते हैं अगर तो 289 आता है, फिर यहाँ पर इसको अंडर रूट अगर डालते हैं एच निकालने के लिए, तो यहाँ पर 17 आता है जो कि इसका कर्ण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपोटेनस 17 cm इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया पूछा गया है जिसमें डायमीटर दिया गया है, चूँकि डायमीटर रेडियस का दोगुना होता है, तो यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 7 cm, इसको अगर आधा करेंगे तो हमारा रेडियस यानी त्रिज्या 3.5 आ जाएगा, चूँकि आप फार्मूला जानते हैं कि एरिया का πr² होता है, इसमें पाई का वैल्यू हम 22.7 पुट करते हैं और आर का रेडियस जो हमारा 3.5 है इसको अगर पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 269.5 आता है, जिसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो टोटल 38.5 आता है, जो कि नियर बाई 38.48 का है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ए एंड बी कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 8 आवर्स,
ए एलोन कैन डू द सेम जॉब इन 12 आवर्स देन बी एलोन कैन डू, यानी यहाँ पर बोला गया कि ए और बी टोटल वर्क को 8 घंटे में करते हैं, ए अकेला 12 घंटे में करता है, तो यहाँ पर बोला गया कि बी अकेले कितने देर में कर सकता है वो पूछा गया है। तो जानते हैं कि यहाँ पर हमारा ए प्लस बी 8 घंटे दिया गया, ए हमारा 12 घंटे। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो टोटल इसका एफिशिएंसी 7 में निकलते हैं, तो टोटल अगर बात करें इसकी एलसीएम निकालने के लिए टोटल 24 जाएगा, जो हमारा टोटल वर्क आ जाता है कि टोटल वर्क हमारा करना कितना है। तो ये हमारा 24 वर्क है जो टोटल करना है, जिसमें हमारा ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारा 3 आ जाता है, जबकि ए की एफिशिएंसी हमारा 2 आ जाता है, चूँकि टोटल एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 2 है। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो बी की एफिशिएंसी हमारा 1 आ जाएगा। तो टोटल 24 वर्क को करने के लिए बी 1 की स्पीड से अगर करता है तो टोटल 24 घंटे का समय लगेगा बी को इस काम को करने में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो बी अकेले 24 घंटे काम करने के बाद टोटल वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असिस्टेंट कैन बी फिलेड बाय अ स्टेप इन 12 आवर्स एंड बाय द अदर इन 9 आवर्स। इफ बोथ टैप्स ओपन टुगेदर हाउ मेनी लॉन्ग विल टेक टू फिल द असिस्टेंट। यहाँ पर बोला गया कि एक नल 12 घंटे में, दूसरा 9 घंटे में करता है, दोनों अगर साथ में खोल दिया जाए तो कितने घंटे का समय लेगा भरने में। तो टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर ए लिया है 12 घंटे, बी लिया है 9 घंटे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम की मदद लेंगे तो टोटल हमारा वर्क 36 आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम पीरियड दिया गया है और ये हमारा एफिशिएंसी यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। टोटल हमारा करना है 36 वर्क, तो टोटल टाइम टेकन लेने के लिए टोटल वर्क हमारा 36 और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार 36/7 हमारा टोटल टाइम पीरियड लगेगा एक भरने में टंकी को ए प्लस बी के दोनों के द्वारा मिलकर। तो यहाँ पर हमारा 36/7 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट, और ये यहाँ पर बताया गया कि 6 स्टूडेंट ने अलग अलग मार्क्स, 6 टाइप के मार्क्स प्राप्त किए। सारे का यहाँ पर मीन पूछा गया है, यहाँ पर अंकों का मीन कितना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें मीन के लिए, तो यहाँ पर मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल अगर ऐड करेंगे तो 150 आएगा, 6 डिवाइड करते हैं तो 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द पीरियड फॉर द पीओएच ऑफ एनी आईसीएफ टाइप कोच अदर कोच व्हीकल अटैच टू द पैसेंजर्स ट्रेन, यानी यात्री ट्रेन से जुड़े किसी भी आईसीबी प्रकार के ओसी भी पीओएच की अवधि क्या होती है। तो यहाँ पर ओसीबी को अटैच किया गया है, तब उस केस में 24 मंथ्स पीएच की अवधि हो जाती है। और सेकेंड है कि न्यूली बिल्ट कंडीशन में भी पीओएच की अवधि 24 मंथ ही होता है, जब बाकी नॉर्मल केस में यह 18 मंथ पीओएच के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा ओसीबी अटैच्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी 24 मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लेंथ इन एमएम ओवर बॉडी ऑफ आईसीएफ ब्रॉड गेज कोचेज, यानी आईसीएफ ब्रॉड गेज कोच की ओवर बॉडी की लंबाई पूछा गया है, यानी कोच ओवर बॉडी की लंबाई, तो यह होता है 21,337 mm, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें आईसीएफ कोच के लिए लेंथ ओवर बफर के डिस्टेंस की अगर बात करें तो यह होता है 22,297 mm। वहीं अगर बात करें इसकी चौड़ाई की यानी ब्रेथ की, तो आईसीएफ कोच की ब्रेथ की होती है 3,245 mm होता है, जबकि अगर हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट होता है टोटल 4,025 mm, यानी इस सारे डायमेंशंस को आप याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, अनुरक्षण गाड़ी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या होता है। तो यह RA होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो प्रोवाइडेड इन एसी आईसीएफ और आरसीएफ कोच में इमरजेंसी विंडो की नंबर्स पूछे गए हैं, कितने प्रयोग किए जाते हैं। तो एक आईसीएफ आरसीएफ कोच में आपातकालीन खिड़कियों की संख्या टोटल 4 होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट इन एमएम अबव रेल लेवल टू सेंटर बफर इन आईसीएफ कोच, यानी आईसीएफ कोचों में रेल स्तर से बफर के केंद्र तक न्यूनतम बफर ऊंचाई पूछा गया है वो कितना होता है। तो अगर बात करें सीधे सीधे पूछा गया न्यूनतम, लोडेड और एम्प्टी कंडीशन में नहीं बोला गया है। तो न्यूनतम की अगर बात करें तो यहाँ पर लोडेड कंडीशन में मिनिमम होता है वो 1030 एमएम होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न के द्वारा ये नहीं क्लासिफाई किया गया है कि या एम्प्टी कंडीशन पूछा है कि लोडेड कंडीशन, सिर्फ मिनिमम परमिसिबल पूछा है जो कि बफर हाइट का कितना होता है, तो मिनिमम 1030 एमएम होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, यानी आईसीएफ बफर प्लंजर बना होता है यह बना होता है कास्ट स्टील का, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे बोला जाए कि आईसीएफ बफर प्लंजर का फेस डायया कितना होता है तो यह 457 mm यानी 457 mm का इसकी फेस की डाया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है द एक्सल लोड इन टर्म्स ऑफ आईसीएफ टाइप एसी कोचेज, यानी एसी कोचेज का एक्सल लोड पूछा गया है यहाँ पर जो कि होता है 16.25 टन होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 13 टन एक्सल लोड वाले आईसीएफ कोच वो किस प्रकार के कोच का एक्सल लोड होता है, तो यह नॉन एसी आईसीएफ कोच का होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे 16.25 होता है ये एसी कोच का था, जबकि 13 टन है यह नॉन एसी आईसीएफ कोच की एक्सल लोड कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ टाइप कोच इन एमएम, यानी आईसीएफ आरसीएफ टाइप कोचों की नई पहियों का व्यास कितना होता है, तो यह होता है 915 mm, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन ट्विन पाइप सिस्टम द एयर प्रेशर शुड बी, यानी ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर पूछा गया जो कि 6 kg/cm² होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इन ड्रॉप्ड टू, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप प्रेशर का गिरावट कितना होता है, चूँकि टोटल 4 प्रकार से ब्रेक पावर का प्रेशर गिराया जाता है, प्रेशर गेज जो कि बात करें मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के केस में तो यह 0.5 से लेकर 0.8 तक किया जाता है, जबकि एक होता है सर्विस एप्लीकेशन जो उसमें 0.8 से लेकर 1 kg का प्रेशर गिराया जाता है। नेक्स्ट है फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 से लेकर 1.5 kg का प्रेशर गिराया जाता है, जबकि एक होता है इमरजेंसी एप्लीकेशन जिसमें अबव 1.5 kg का प्रेशर गिराया जाता है। चूँकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था फुल सर्विस एप्लीकेशन के केस के लिए तो यह 1 से लेकर 1.5 तक होता है, लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम केस में लेते हैं तो उस प्रकार से 1.5 ऑप्शन नंबर डी फुल सर्विस एप्लीकेशन के केस में ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द कटअप एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, यानी कटअप एंगल कॉक फिट किया जा सकता है तो कितने फिट किया जाता है, तो या बीपी यानी ब्रेक पाइप और फिट पाइप दोनों में फिट किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कलर कोड ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन, यानी कोचिंग ट्रेनों में ब्रेक पाइप की कलर कोड पूछी गई है तो यह ग्रीन कलर का होता है ब्रेक पाइप की कलर कोड, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें एफपी की तो यह व्हाइट कलर की होती है, यानी सफ़ेद कलर के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर टेस्टिंग C3W/KE-DB आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम टू 0 to 3 kg
इज यानी सी थ्री डब्ल्यू टाइप और के ई टाइप के डीबी के फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान प्रेशर जो 0 से लेकर 3 kg का प्रेशर बनता है उसको बनने में कितने समय लगते हैं वो पूछा गया यहाँ पर। तो वह बनने में 3 से 5 सेकंड का समय लगता है यानी एप्लीकेशन टाइम लगते हैं जो कोचिंग के केस में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है डीबी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब होता है वो डायरेक्ट रूप से कॉमन पाइप ब्रैकेट पर कनेक्ट होते हैं जिस पर तीनों पाइप होते हैं ईआर ब्रेक पाइप और ब्रेक सिलेंडर तीनों के पाइप कनेक्ट होते हैं यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द एमआर यानी मेन रिजर्वायर जो हमारा लोकोमोटिव में यूज किए जाते हैं उसका प्रेशर पूछा गया है तो वह होता है 8 to 10 kg का प्रेशर बनता है उसमें यानी ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 बार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ यानी आईसीएफ कोच का 16 बार बना होता है तो वह बना होता है जेड सेक्शन के आकार का यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द थिकनेस इन एमएम ऑफ रूफ सीट इन आईसीएफ कोच यानी आईसीएफ कोच के रूफ सीट की मोटाई एमएम में पूछी गई है वो कितनी होती है तो वो 1.6 एमएम की होती है यानी ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ आईसीएफ कोच द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर यानी आईसीएफ कोचों की बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछी गई है तो आईसीएफ कोच में टोटल आप जानते हैं कि आईसीएफ बोगी का प्रयोग किया जाता है जो कि टोटल 2 बोगियाँ प्रयोग की जाती है पर बोगी पर 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं जो BMBC टाइप के होते हैं यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम यानी ब्रेक सिलेंडर टाइप के होते हैं जो कि टोटल 4 की संख्या में 2 ट्रॉली मिलाकर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेंटर पिवट पिन डज नॉट ट्रांसमिट एनी यानी सेंटर पिवट पिन ट्रांसमिट नहीं करता है क्या चीज़ ट्रांसमिट नहीं करता है तो अगर बात करें तो यह ट्रांसमिट की अगर बात करें तो यह करता है जो हमारा वर्टिकल फोर्स होते हैं उसको ट्रांसमिट नहीं करते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी ब्रेक हेड एंड ब्लॉक कंप्लीट इन ईच अंडर फ्रेम इन कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग इन आईसीएफ टाइप कोचेज यानी कोच के अंडर माउंटेड ब्रेक रिंगिंग में कितने ब्रेक हेड और ब्लॉक होते हैं आईसीएफ प्रकार के कोचों में टोटल जानते हैं कि आईसीएफ कोच में BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें तो इसमें ब्रेक रिंगिंग अरेंजमेंट की अगर बात बताई गई है तो टोटल इस प्रकार चक्के पर दोनों साइड से ब्रेक ब्लॉक लगे होते हैं तो इस प्रकार हमारा टोटल 4 एक्सल होते हैं। अगर दोनों तरफ अगर बात करें तो इस प्रकार टोटल आप देख पा रहे होंगे कि 16 का कॉम्बिनेशन बनता है तो 16 की संख्या में टोटल प्रयोग किए जाते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है न्यू डायमीटर इन एमएम ऑफ पिन फॉर ब्लस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर इज यानी नए बुलिस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन जो हैंगर पिन का व्यास कितना होता है नए का तो यह 37 mm होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रॉक्स बेट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट ACICF बोगी यानी पूर्ण ACICF बोगी का लगभग वजन कितना है तो यह होता है हमारा 5.20 टन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बियरिंग आईसीएफ कोच यानी आईसीएफ कोच में रोलर बियरिंग में किस प्रकार के ग्रीस का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा लिथियम बेस ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन आईसीएफ बोगी यानी आईसीएफ बोगी में व्हील में किस प्रकार के रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रयोग किया जाता है डबल रो सेल्फ अलाइंड स्पेरिकल रोलर बियरिंग यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात करें कि पर रो में टोटल 14 रोलर्स का प्रयोग किया जाता है टोटल 2 रो होता है यानी टोटल 28 की संख्या में पर स्पेरिकल बियरिंग में रोलर्स का प्रयोग किए जाते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डबल रो सेल्फ एलाइंड स्पेरिकल रोलर बियरिंग्स का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस PESD आर माउंटेड ऑन द, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस PESD किस पर लगा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा इंड वाल पर लगा होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्री हाइट ऑफ ICF टाइप ब्लस्टर क्वाइल स्प्रिंग, यानी AC ICF टाइप ब्लस्टर क्वाइल स्प्रिंग की फ्री हाइट पूछा गया है, तो यह होता है 400 इसकी फ्री हाइट होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द फ्लोर सीट थिकनेस ऑफ बॉक्स एंड एचएल बैगन, यानी बॉक्स एंड एचएल बैगन की फ्लोर सीट की मोटाई कितनी होती है, तो यह 4 mm की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज नॉट एन ओपन टाइप बैगन, चूंकि इसमें पूछा गया है ओपन टाइप बैगन, बॉक्स एंड का मतलब ही बॉक्स मिस ओपन होता है, बी बोगी ओपन बोगी हो, यहाँ पर BCN एक है जो कवर्ड बैगन होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोचेज इज नॉट फिटेड विथ RMPU, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोचों में RMPU नहीं लगा जाता है, यानी रूफ माउंटेड जो हमारा मैकेनिज्म है उसमें किस में नहीं लगाया जाता है, तो इसका सब सही उत्तर होगा LWS में नहीं लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट का घटक नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा टॉर्च, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू मॉस्किटो बाइट, एंड निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो मच्छर के काटने से अगर बात करें तो मलेरिया हो जाती है, चिकनगुनिया, डेंगू, तो ये बीज यहाँ पर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली से संबंधित रोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा हेपेटाइटिस बी, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहां पर कि अमेजन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, यानी अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह साउथ अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को का विरासत स्थल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विक्टोरिया मेमोरियल, यह भारत में यूनेस्को का विरासत स्थल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया है, विच कंट्री होस्टेड द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 2022, यानी किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 2022 की मेजबानी की है, इसका सही उत्तर होगा इजिप्ट, इजिप्ट ने COP27 2022 की मेजबानी की है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ अगर बात करें पेपर की तो कैसा लगा वीडियो, अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर